हम लोग आज एक मुखार्जी बोल के एक रेस्टोरेंट में आए हैं, ये है श्रीरामपुर में। तो थोड़ा बहुत लंच करेंगे, अभी 2 बज गया है शायद, एंड 3 बजने को है, एंड रोमित के फ्रेंड आने वाले हैं, तो एकदम चाइल्डहुड फ्रेंड, उनके साथ भी मुलाकात हो जाएगा आप लोगों को अगर वो कंफर्टेबल है कैमरा के सामने। तो चलो हम लोग वेट कर रहे हैं, रोमित के फ्रेंड आएंगे एंड उनके वाइफ आएंगे, तो सब कुछ आपके साथ थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस शेयर करने की कोशिश करूँगी। मुखर्जी श्रीरामपुर में है, हुगली श्रीरामपुर में है, एंड हम लोग आज आए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। तो ऑलरेडी वी आर लेट, एंड अभी फ़िलहाल हम लोग मेनू देख रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एंड यहाँ का रेट जो मैं देख रही हूँ बहुत ही रीज़नेबल है कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। एंड हमें बहुत दिनों का शौक था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो चलो कुछ देर में हमारे दोस्त आ जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग कैसे क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। हाय करो दो। हेलो करो। स्टार्टर में हमने भेटकी फ़िश फ्राई लिया था, भेटकी फ़िश का फ्राई, एंड ये बहुत ही एक स्पेशल आइटम है मुखर्जीज में। हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग ये वाला खा रहे हैं, ये फिश फ्राई कितना टेस्टी है क्या बताऊँ। हेलो, मेन कोर्स में हमने स्पेशल मटन बिरयानी लिया था, एंड उसके साथ चिकन लेग करी बोल के एक था, एंड उसके साथ सलाद था, रायता था, एंड रोमित लिया था चिकन टिक्का मसाला। एंड इतना सारा बिरयानी देख के हम लोग तो मतलब हैरान हो गए थे, एक प्लेट में तीन जन भी खा सकते हैं, इतना सारा बिरयानी था, एंड यमी था, यमी टेस्टी क्या था आपको क्या बताऊँ। मतलब बहुत सारे जगह पे हमने बिरयानी खाए हैं, यहाँ का बिरयानी ऑसम है, जस्ट ऑसम। लोग इतने भूखे थे क्या बताऊँ, मतलब खाना देख के लग रहा था 5 मिनट में ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ आपको क्या बताएं, इतना सारा बिरयानी खा पाएंगे यही सोच के हमें अभी कैसे लग रहा है, लेकिन तब लग रहा था कि ये तो कुछ नहीं है, सब खाना खा लेंगे। खाना बच गया था, वो घर में पार्सल करके ले आए। थैंक यू। क्या बताऊँ, मुखर्जी का लंच वॉज ऑसम, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, एंड बहुत ओवरक्राउडेड प्लेस है, क्या करूँ, सब आते हैं, इतना अच्छा खाना देते हैं ये लोग, तो फिर भी हमें वेट नहीं करना पड़ा, एंड वेटिंग लाउंज भी बहुत काफ़ी बड़ा है, ये वेटिंग लाउंज है जहाँ पे आप मतलब बैठ सकते हो एंड वेट कर सकते हो। बहुत ही स्पेशियस है, एंड बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस, एंड बिहेवियर वाइज स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, एंड खाना क्या बताएं, खाना तो लाजवाब था। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू विजिट, प्लीज़ आओ, एंड यहाँ पे यहाँ का जो खाना है ये वो एक्सपीरियंस करो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हाँ, तो चलो खाना पीना तो हो गया है, एंड बहुत ही मस्त खाना था, बार बार ये मैं बताऊँगी। अभी घर जाने का वक्त आ गया है, एंड
आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। किसी भी कारण से अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। भर भर के सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को आगे जाने में मदद करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।